गोपिका जाके कृष्णा को ढूंढती है, बांसुरी सुनाई देते हैं, कभी कभी लगता है कि कृष्णा पास नहीं है। तो तभी वो उद्धव को ऐसे देखते हैं, तो एक सेकंड के लिए वो सोचते हैं कि हाँ वो श्री कृष्ण ही स्वयं उधर आए हैं, पर वो नेक्स्ट सेकंड में ही जब देखते हैं कि ओ ये तो हमारे प्रिय नहीं है। गोपियों के हृदय में बेचैनी है, कृष्ण को ढूंढते हुए उनकी आंखें हर ओर भटकती हैं। अचानक बांसुरी की मीठी ध्वनि कानों में गूंजती है, जैसे कृष्ण यहीं कहीं पास में हो। शास्त्रीय नृत्य के मंच पर जब कृष्ण का जिक्र होता है तो मानो समय थम सा जाता है। हर मुद्रा, हर भाव और हर ताल में छिपा है माखन चोर का अतुलनीय आकर्षण। शास्त्रीय नृत्य एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली कला है जो सदियों से संस्कृति का हिस्सा रही है। ये सिर्फ संगीत पर थिरकना मात्र नहीं है, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने की एक कड़ी भी है। और अगर ये नृत्य कोई शास्त्रीय नृत्य हो तो नर्तक या नृत्यांगना नृत्य करते हुए हमारे दिल और जहन को मोहित कर लेते हैं। ऐसे ही एक नृत्यांगना है असम की आरिशा शेख। गुवाहाटी की रहने वाली 17 साल की आरिशा शेख दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम और असम की शास्त्रीय नृत्य सत्रिया की तालीम पूरी कर अब नृत्य की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। हमारे सहयोगी मंजर आलम आरिशा शेख के घर पहुंचे और देखा कि आरिशा नृत्य में इतनी खो गई कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये वानगी है एक ऐसे कलाकार की जो अपनी कला की गहराइयों तक उतर कृष्ण की लीलाओं में मंत्रमुग्ध हो जाता है। आरिशा शेख अपने घर पर रोजाना की तरह नृत्य अभ्यास कर रही हैं। आरिशा ने 2011 में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया जब वो 5 साल की थी और 7 साल बाद 2018 में भरतनाट्यम की तालीम पूरी कर ली। इसी बीच जब वो 7 साल की थी तब उन्होंने असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया भी सीखना शुरू कर दिया और 11 साल बाद 2024 में सत्रिया की तालीम भी पूरी कर ली। आरिशा ने गुवाहाटी में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु रामाकृष्णा तालुकदार और उनकी पत्नी गुरु रूमी तालुकदार की देखरेख में सत्रिय नृत्य की तालीम पूरी की, जबकि लखनऊ के भटकंडे से भरतनाट्यम में विशारद पॉइंट 2 सर्टिफिकेट हासिल किया। कोलकाता में आरिशा को अपने हुनर को और निखारने का मौका मिला क्योंकि उन्होंने भरतनाट्यम के विशेषज्ञ गुरु राम वैद्यनाथन की कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। आरिशा मानती है कि भले ही एक छात्रा के रूप में नृत्य सीखने की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन अब नृत्य सीखने का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है और वो है स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस का। भरतनाट्यम मैंने 2011 में स्टार्ट किया और 7 साल बाद 2018 में मैंने 10 नवंबर को अरंगेत्रम किया और सत्रिया मैंने 11 साल सीख के मैंने रंग यात्रा किया। इस जनवरी 2024 जनवरी में मैंने रंग यात्रा किया और हाँ, रंग यात्रा अरंगेत्रम दोनों मेरा स्टूडेंट जर्नी का टेक्निकली बोल सकती हूँ कि एक फिनिश लाइन है। स्टूडेंट लाइफ का फिनिश है पर सीखने का उधर एक नया चैप्टर फिर से शुरू हो गया। तो अभी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, अभी एज अ स्टूडेंट नहीं बट एज अ परफॉर्मर मैं स्टेज पे सोलो करने के लिए जा सकती हूँ। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा का अंदाजा शुरुआती दौर में ही हो जाता है। कुछ ऐसा ही आरिशा के साथ भी हुआ। आरिशा ने 15 अगस्त 2009 को एक स्थानीय चैनल पर प्रसारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ नृत्य प्रदर्शनों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। तब वो सिर्फ 3 साल की थी। आरिशा के माता पिता ने उसके अंदर के कलाकार को पहचाना और उसे पद्मश्री इंदिरा पीपी बोरा के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया और इस तरह आरिशा का नृत्य सीखने का सफर शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद ही आरिशा की मम्मी ने
गुरु रामाकृष्णा तालुकदार का एक कार्यक्रम देखा तो उन्हें लगा कि सत्रीय नृत्य तो असम का शास्त्रीय संगीत है, वो आरिशा को इसकी तालीम ज़रूर दिलवाएंगी। दूसरे ही दिन आरिशा का दाखिला गुरु रामाकृष्णा के नर्तन कला निकेतन में करवा दिया और इस तरह आरिशा ने असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया भी सीखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गुरु रामाकृष्णा आरिशा को नृत्य कार्यक्रमों में भी लेकर जाने लगे। आरिशा के नृत्यांगना बनने के इस सफर में उनके माता पिता अंजुमा शेख और अरमान शेख का भी अहम योगदान रहा। उनकी प्रेरणा और सहयोग ने आरिशा को अपनी कला में निखार लाने और अपनी प्रतिभा को नए मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। बहुत छोटी थी तो एक ऐसे ही प्रोग्राम, जैसे मतलब फ्लैट के ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे तो सडनली वो डांस करने के लिए मतलब सोची तो उसको कराया, तो वो सभी डांस में पार्ट ली मतलब, तो उसको जो शौक था डांस का तो मालूम पड़ी। फिर सर के स्कूल में लेके गई, फिर सर ने भी इसको मतलब पहले ही डाला, डालते ही मतलब सर को भी, जैसे गुरु को मालूम होता है कैसा शिष्य है, तो सर ने भी उसको डालने के कुछ दिन बाद ही मतलब जैसे उससे वो प्रोग्राम वोग्राम में ले जाने लगी, मतलब उस सर ने भी पहचान लिया कि मतलब वो अच्छा डांस प्रतिभा है। एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट मेरा वाइफ दिया, क्योंकि बच्चा को मैं भी जाता हूँ साथ में, लेकिन कॉन्स्टेंट मेरा मिसेज साथ में रहता है और बच्चा को ना, मेरे बच्चा लोगों को जो अच्छा लगता है ना मैं करने देता हूँ, तुमको अच्छा लगता है तो करो, हम लोग साथ में हैं। बट इट्स वेरी बहुत पंचुअल डिसिप्लिन है, और बहुत मेरे तीन बच्चे हैं तो बेटा को आज भी उठाने पड़ता है, उठो 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 ना, तो बेटी को उठाने नहीं पड़ता, एकदम टाइम से एकदम रेडी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो जटिल हस्त मुद्राओं, चेहरे के हाव भाव और पृष्ठभूमि संगीत से बना है। आँखें, भौवें, हाथों, पैरों, हथेलियों, गाल, थोड़ी, गर्दन आदि के लिए पारंपरिक मुद्राएं निर्धारित हैं। पाँव की विभिन्न गतियां जैसे इठलाना, ठुमकना, तिरछे चलना और ताल सावधानी से की जाती है, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है कि जिस कथा को कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हो उसके किरदार में खुद की गहराइयों तक उतर जाना, यानी जब पैशन के साथ डिवोशन आ जाता है तभी एक कलाकार का स्टेज से ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने देखा जब हम शूटिंग कर रहे थे, तब नृत्य अभ्यास के दौरान आरिशा रो पड़ी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उद्धव बल आते हैं वृंदावन में, तो सारे गोपिका वो लोग सोचते हैं कि ये कृष्ण आया है, तो ये बीच का स्टार्टिंग होता है कि गोपिका जाके कृष्णा को ढूंढती है, बांसुरी सुनाई देता है, कभी कभी लगता है कि कृष्णा पास नहीं है, तो तभी वो उद्धव को ऐसे देखते हैं, तो एक सेकंड के लिए वो सोचते हैं कि हाँ वो श्री कृष्णा ही स्वयं उधर आए हैं, पर वो नेक्स्ट सेकेंड में ही जब देखते हैं कि ओ ये तो हमारे प्रिय नहीं है, तो तब ये पूरा पीस इसके अराउंड रिवॉल्व होता है कि गोपिका पूछते हैं कि हमारे कृष्णा वो किधर है, वो क्या मधुपुर में ही वो रुकते, वो नहीं आएंगे क्या, तो वो क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करते करते लास्ट में मतलब ऐसे होता है कि हम लोग बोलते ना इतना इमोशंस आते हैं कि हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो वो इमोशंस का वो पूरा पहाड़ बन के गोपिका लोग ऑलमोस्ट दे लूज देयर कॉन्शियस। आरिशा का मानना है कि आधुनिकीकरण और प्रचार के नाम पर सत्रीय नृत्य की पारंपरिक शैली और उसकी शुद्धता कभी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि अपने दर्शकों के अनुसार नृत्य में कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन नृत्य की जड़ और उसकी शुद्धता को बरकरार रखते हुए। बहुत मॉडर्नाइजिंग और मॉडिफाइंग थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। मॉडर्नाइजिंग मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ एंड बट मॉडिफाइंग यस, मॉडिफाई करना ही पड़ेगा बिकॉज जैसे लोग, जैसे चीज़ें, कहानियाँ, बातें सब इवॉल्व होते हैं वैसे डांस भी इवॉल्व होगा ही, और उसी में ही
मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हाँ मे बी अगर हम लोग बच्चे लोग को अगर 5-6 साल के बच्चे लोग को हम लोग कुछ दिखा रहे हैं, अगर उन लोगों को मैं एक अभिनय पीस दिखाऊंगी उन लोगों को समझ नहीं आएगा अभी. उन लोगों को शायद कृष्णा लॉर्ड कृष्णा का मे बी जब वो कुछ आइटम हो सकता है जहाँ खेल कूदने का पार्ट दिखाते हैं वो हम लोग कर सकते हैं. आरिशा ने अब तक मुंबई, पुरी, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे भारत के कई स्थानों पर अपनी नृत्य शैली से हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध किया है. 2023 में आरिशा को केन्या के नैरोबी में राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 में भी प्रदर्शन करने का मौका मिला था. आरिशा को 2 बार IIDF गुवाहाटी के फ्यूचर फेस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. आरिशा शेख की दिली चाहत है कि वो दुनिया भर में सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दें और इसी तरह भारत की सांस्कृतिक विरासत का झंडा दुनिया भर में लहराए. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क. तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो.